सजाकर लोगों को मिठाइयाँ खिलाकर नाच गाने करके पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण जो है प्रयागराज में जश्न मना रहे हैं। और दिल्ली में जो भव्य जीत होने जा रही है, अभी तो 60 सीट दिखा रहा है, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 70 में से 70 पूरी सीट आम आदमी पार्टी को आने वाली है। और हम लोग आने वाले दिनों में, अब हम लोग केजरीवाल जी को सीएम नहीं बल्कि पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने खुद मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। इसीलिए वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में। दिल्ली की आम आदमी की जीत हुई है, मुद्दों की जीत हुई है, अस्पतालों की जीत हुई है, शिक्षा पर जीत हुई है, महिलाओं की जीत हुई है, बच्चों की जीत हुई है। इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं और ये एक जनादेश पूरे देश के लिए एक सबक है कि कभी भी मुद्दों पर राजनीति नहीं होती थी। आज पहली बार 70 साल के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि कोई पार्टी मुद्दों से जीतने जा रही है, प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। नहीं चलेगी। वर्दी का रोब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्दी का रोब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खलीफा मंडी के पास आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापारी लोग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ पे कुछ दिन से शासन के लोग आ रहे थे अपनी दुकानों को पीछे कराने के लिए और व्यापारियों ने उनका पूरा सहयोग किया, वो अपनी हद में चले गए। उसके बावजूद कल शाम को सीओ प्रथम अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में जो है अतिक्रमण को हटाने निकले थे। अतिक्रमण हटाते हटाते वो इतना उग्र हो गए कि उन्होंने व्यापारियों के साथ यहाँ पर गाली गलौज किया और उनको जेल में डाल देने की धमकी तक दे डाली। व्यापारी ये जानना चाहता है कि व्यापारी ने किसके साथ जो है गलत व्यवहार किया है कि आज उसको गाली भी खानी पड़ रही है। व्यापारी पहले ही अपने व्यापार से इस समय बहुत परेशान है, लेकिन सरकार और जो है सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं, प्रशासन जो है, ये व्यापारी को क्या समझता है पहले तो ये बता दे। व्यापारी गुंडा है, बदमाश है, क्या करता है वो कि आप उसको गाली और गलौज देंगे और उसको जेल में डालने की धमकी तक दे डालेंगे। सड़क पे अतिक्रमण वो कर नहीं रहा है, अगर कर रहा है तो आप उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, बात करने को सभी तैयार हैं, लेकिन आप गाली कर देंगे और जो है उनको जो है जेल में डालने की बार बार धमकी देंगे। किस अधिकारी ने व्यापारी के साथ उत्पीड़न किया था? ये सीओ प्रथम यहाँ पे जो क्षेत्राधिकारी हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ कल निकले थे और उन्होंने इस तरीके का थाना शाहगंज के उन्होंने इस तरह का अभद्रतापूर्ण व्यवहार व्यापारियों के साथ किया है जो कि बहुत ही निंदनीय है और पूरा व्यापार संगठन इसका विरोध करता है। ये इसी नकाश कोने पे उन्होंने जो है किया था, उन्होंने ये व्यवहार किया है, इसीलिए आज जो है नकाश कोने के सभी व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि शासन प्रशासन हमारे साथ रहे, ना कि जो है हमारे साथ गाली बक्के और हमको जो है इस तरीके से प्रताड़ित करे कि व्यापारी अपना व्यापार भी ना कर पाए। वो डर के साए में नहीं जीना चाहता है, वो जो है अच्छे माहौल में जीना चाहता है ताकि वो अपना व्यापार कर सके। बता दिए। मैं अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल युवा मंडल इलाहाबाद।